बम गोल बम बाबा एक सहारा है बाबा एक सहारा। लोग सर रोड ऐसे क्रॉस कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं। है ना अच्छा सड़क है ना ये जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। एक पहाड़ हाँ? पार किया हाँ देसी को जी लिया रास्ता को काट कूट के बनाया गया होगा पहाड़ को काट कूट के रास्ता बनाया गया होगा। जुगाड़ सब जगह पर है ये देखिए सामने में लोग किस तरह से सिंगल गाड़ी डबल डेकर गाड़ी बनाए हुए हैं इसको। लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है क्या बहुत रिस्की है इसमें बस के चला के टर्न मार दिए तो पलट जाएगी क्योंकि ऊपर में ऐसा कुछ तो बेस है नहीं, नहीं। ब्यूटी है अभी हम लोग को इधर जो लोग जा रहे हैं अच्छा लग रहा है। ये झारखंड की तरफ ही तो बोले थे कल रात में हम बात कर रहे थे ना जो सुबह में यदि हम लोग चलेंगे तो हम लोग को ये सब चीजें देखने को मिलेगा रात में चलेंगे तो नहीं रात को तो सब ऐसे ही पार कर जाते हैं रात में तो ना पहाड़ ना पर्वत ना आदमी ना लोग कुछ नहीं दिखता। ऐसा क्या है ये हनुमान जी के भक्त लोग हैं क्या यहाँ पर पहाड़ पत्थर हिली एरिया नहीं लग रहा है सामने में ऑटो वाले भाई साहब अपना लोग लगाते देखो इतना जगह है साइड में तब पर भी बीच में लगाते हैं भाई कहते तो यहाँ बिल्कुल उसका सेंस ही नहीं है कॉमन सेंस जो कहते हैं मेन वेरी अनकॉमन है। अभी क्या है ना जो उसको रोकना है तो बीच रास्ते में ही रोक देगा कुछ करना है तो बीच रास्ते में वहाँ पीछे वाले आप जानिए आपको क्या करना है हम रुक गए सिर्फ देखो जो जाम लगा था सिर्फ एक आदमी करने का हम रुक गए हम रुक गए। अरे भाई साहब कितना दूर बता रहा है देवघर का तो रास्ता बता रहा है सिर्फ मिनी कैफेटेरिया टंकेश्वर ये टंकेश्वर जगह है ना यहाँ पर ये है ना पैदल चलने वाले और हम लोगों का गाड़ी चलने वालों का फिर से संगम हो रहा है। अच्छा वो लोग नीचे से फिर यहाँ पर निकले हैं टनल टाइप से बना हुआ था उधर से तो इधर आ गए फिर से बोल बम बोल बम बम महादेव बम बोल बम बोल बम बच्चा को देखो बोल बम बोल है बोल बम बोल बम बोल बम बाबा एक सहारा है जीप आ रहा है साइड आ रहा है भाई तो क्या मेला है यार लोगों का। ये कावरिया पथ हम लोग के साथ साथ पैरेलली चल रहा है अब तक बड़े अलग अलग था बना हुआ अब देखिए इधर से ये इस साइड में आ गया अब 108 किलोमीटर का ये कावड़िया पथ है इस पर बालू और मिट्टी
बिछाया गया है ऐसा न्यूज में बताया था। पहले बहुत दुर्गम रास्ता था ये, लोग आते थे पैर में, गांव छाले सब हो जाते थे, लेकिन अब उसको अब एटलीस्ट थोड़ा सा मिलता, अब चलने में जो मेहनत लगता है बाकी चीजें मतलब ठीक है पहले के कंपेरिजन। कोई समझ में ना आ रहा, लोग को रुकना है तो लोग ढंग से रुके ना भाई, ऐसे करके रोक ले है। देखो जबकि देखो प्रॉब्लम अगर जगह ना हो, देखो यहाँ इतना जगह है, यहाँ इतना जगह है, अगर साइड में रोक दिया जैसे ये लॉजिकल आती है। देखो 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 शाश्वत, उधर देखो पैदल वाले लोग सब ज्यादा मजा लेके जा रहे हैं भाई। हाँ वो लोग देखो उधर पैदल वाले लोग सब पहाड़ वहाड़ के बीच से होके जाते हैं। हम लोग अभी पता है वो उधर ही जाएंगे, उधर ही जाएंगे, उसी पहाड़ की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे चलिए इस पे और इस सड़क का मजा लीजिए। अभी अभी ट्रैफिक लेस सड़क है ये, सुबह के 7 बज रहे हैं। फिर से पैदल वाले हम लोग के साथ हो गए देवघर से। बोल बम जोर से बोलो, बोल बम कस के बोलो, बोल थोड़ा दूर ये लोग हम लोग के साथ रहेंगे बस, अब फिर आगे चले जाएंगे। यहाँ पे हनुमान बम महादेव, हर हर महादेव। चल चल पता है क्या है इसका, जाएंगे लाइन में, और इतने कितने लोग चले गए होंगे, रहेंगे साथ में रहे हो कर दिए होंगे, ये ज्यादा बड़ा लंबा लाइन है। धीरे धीरे चलो, इधर वीडियो अच्छा बन रहा है हम लोगों का, खत्म हो गया ना। बोल क्या कहे चल रहे हैं, बारिश का पीछा कर रहे हैं, बारिश ने भी ये हम लोगों से शर्त लगा रखा है। हम लोग आगे जाएंगे, आगे जा बढ़ते जाएंगे, हम लोग भीगे तो बारिश में ना, कहां प्रभाव थोड़ा सा हुआ, थोड़ी देर के लिए। हम लोग बोले ड्राइव करते वक्त एक बारिश हो जाए जमा जम, तो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहेगा ना। वहां पर तो बारिश हुई, लेकिन वहां पर बारिश हुई लेकिन उतनी तेज बारिश नहीं हुई थी। ये अलग, जैसे यहाँ इस रास्ते में बारिश हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा ना। बारिश हो जाए मैं साइड में लगा के बैठ हूँ। हाँ वही तो, अनिश को और इंतजार करवाएगी। दर्द मरा अनिश ना, अब उसको लग रहा होगा। आप लोग पानी जो है वो सुल्तानगंज में भर के जल जल भर के, और यदि आप लोगों को जाना है
क्या कहते हैं, आपके पास यदि अपने वाहन नहीं है या कुछ भी है तो ढेर सारे हैं, आप बस से जा सकते हैं, ये ऑटो से जा सकते हैं, और उसके अलावा आप गाड़ी रिजर्व करके भी जा सकते हैं, ट्रेन भी है आपको जाने के लिए, ट्रेन है, आप वहाँ जाके उतर के अपना जा सकते हैं, वो मल्टीपल रूट्स हैं, मतलब मल्टीपल रूट्स कहते हैं, मल्टीपल वे है वहाँ पर जाने के लिए, जैसी भावना वैसी श्रद्धा, जैसे मन करे वैसे बाबा के पास जाइए, जाइए मिलने बाबा से, जय बाबा, जय बाबा बोले ना, अरे घोड़ा पे बैठिए सीढ़ी के, फोटो 20 रुपए में प्राप्त करें, इनका फोटो खींचे बहुत अच्छा है, देख रही है 20 खंड में, तो आपका स्वागत है, झारखंड में आपका स्वागत है, बोलबम, अब हम लोग आगे बाबा की नगरी में आपका स्वागत है, झारखंड सरकार, ये देखिए हम लोग अब पहुंच गए हैं बाबा की नगरी, अब यहां से पता चलेगा जो कैसे क्या करना है प्रोसेस, और आपको हम लोग उसके हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा के चारों तरफ से हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और मंदिर जो है ये 12 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, जो बैद्यनाथ धाम देवघर में जो है वो 12 किलोमीटर है। लोग पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी में, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हम भोले, हम भोले, जय शंभु, जय शंभु। अब तो हम लोग आ चुके हैं, अब देखा जाए हम लोग कहीं पे अभी लगाया जाएगा, अपनी गाड़ी लगाया, मनोज तिवारी का पोस्टर लगा है हम लोग लगाया जाएगा कहीं पे गाड़ी से, देखा जाएगा कैसे कैसे बाबा का दर्शन होगा, दर्शन के बाद बाबा का नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत भीड़ है, सावन में बेसिकली दर्शन जल्दी नहीं हो पाता है, अगर जुगाड़ पैर भी नहीं है तो बेसिकली हम लोग बाहर इसे ही जल चढ़ा देंगे, वो जल बाद डायरेक्ट बाबा जाके अर्पण हो जाएगा, हम लोग अभी यही किया जाएगा, और अगर बाबा के भोले बाबा का वीडियो देखना है तो फेसबुक पे बहुत सारा वीडियो है भोले बाबा का, बैद्यनाथ धाम वाले रोज रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो देखिए बाकी रास्ता आपको पता चल गया पटना से आने के लिए क्या चाहिए कैसे आना है, आप देखिए वैसे वैसे रास्ता फॉलो करके आइए, और आइए बहुत सारे साधन हैं, ट्रेन है, बस है, ऑटो है, अपनी गाड़ी है, अपना बाइक है, और कुछ नहीं है तो पैदल ही पहुंच जाइए बाबा के पास एकदम, और एक बार सुल्तानगंज में नहाने के बाद एकदम एनर्जी से भरपूर हो जाता है शरीर, एकदम शुद्ध ताज़ा मन हो जाता है, अलग ही फीलिंग आती है, जय शंभु, जय बाबा, जय जय। सुमित जी का भोजनालय देखिए, शिव शंकर जी का देखिए भोजनालय, चारों तरफ भोजनालय भोजनालय है यहाँ पर, चलो कवरिया बैद्यनाथ धाम आए हुए सभी कवरिया बंधुओं को, ये है वैसा प्राइवेट पार्किंग यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है, ये स्वागत है अभिषा टी स्टॉल, हमारे यहाँ स्पेशल चाय एवं कॉफी मिलता है अभिषा। यहाँ पर एक चीज क्या किया है इन लोगों ने ना, जगह जगह पर चाहे प्राइवेट रहे चाहे जो भी रहे, रूम चौकी पानी खाना बनाने की सुविधा देखो वो दे रखा है, बाबा की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मत पीना कुछ लेके पीते जा रहे हो पी लिया बोल बाम, बोल बाम, बोलो बाम, बोल बाम। बोल बाम, बोल बाम, बोलो बाम, बोलो बाम, मतलब भीड़ को चैनलाइज करने के लिए